तो टाइटल में आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि हम पहुंच गए हैं नैनीताल। जैसे ही बाहर निकले हमें पता चल गया कि सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि वहाँ दिल्ली में 24 डिग्रीज था और यहाँ पे 4 डिग्रीज ओनली। और फिर 6 बजे पहुँचे हम हमारी होटल पे, होटल हिमालया, जो कि तल्ली ताल में है। चेक इन था तनिष्क वैकेशन क्लब की ओर से, जहाँ से हमने लास्ट टाइम भी करवाया था। अभी हम नैनीताल आ चुके हैं और ये इतनी ठंडी है कि जस्ट दरवाज़ा खोलते ही शिवरिंग स्टार्ट हो गई है। होटल वालों ने तुरंत ही हमारे लिए 2 एक्स्ट्रा रूम्स सेट करके दे दिए, अलॉट कर दिए। अब एक एक्स्ट्रा बेड आने में थोड़ी देर लग रही थी, तो ये हमारे हरमन भाई निकल गए बाहर घूमने के लिए अकेले, और हमको किसी को पता नहीं था कि ये भाई साहब बाहर घूम रहे हैं। और सुबह सुबह देख लो इन्होंने क्या किया है। Finally, I have arrived at Hanuman Gadi. The trek was really tiring. तो अंदर कैमरा अलाउड नहीं है तो बाय। तो यहाँ पे दर्शन तो हो चुके, अब चलते हैं वापस होटल पे। बजरंग बली थोड़ी शक्ति दे दे होटल वापस जाने की, तो होटल पे जाके थोड़ा रेस्ट कर लेते, वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। ब्रेकफास्ट में कॉफ़ी, बॉर्नविटा, इसमें मिल्क है, ऑमलेट, फ्लेक्स, उपमा, पूरी के साथ आलू की सब्जी, ये पूरी, बनाना, सैंडविचेस एंड ब्रेड टू टोस्ट। तो मेरी ब्रेड टू टोस्ट हो गई, आगे माइल्ड टोस्ट परफेक्ट। जब हमारे निकलने का टाइम हो गया तब ये भाई साहब वापस आए और आके सो गए। तो बेसिकली हम निकले दोपहर में, थोड़ा सा लेट हम घूमने के लिए निकले नैनीताल में। तो सबसे पहले हम मॉल रोड पे गए थे फूड थेरेपी रेस्टोरेंट में, और कुछ मोमोस वगैरह हमने ट्राई किए थे, मटन मोमोस, वेज मोमोस, पनीर चिल्ली, मंचूरियन ड्राई। पनीर चिल्ली कैसी थी? बहुत अच्छी थी, 4.5। मंचूरियन नॉट सो गुड। और कॉफी? कॉफी टेस्ट नहीं की है। ऑलराइट, जय भाई, आपको मटन मोमोस कैसे लगे? सुपर, स्पेशली जो ये चटनी, ब्लास्टिंग, मोमोज तो पसंद नहीं है, बट सरप्राइजिंग दे आर रियली गुड। वेरी गुड। तो अभी जा रहे हैं नैनीताल लेक में बोटिंग के लिए। टिकट यहाँ से लेनी है पूरे राउंड का 210 और आधे राउंड का 160। एक बोट में 3 लोग ही जा सकते हैं, तो हमारी 2 बोट हो जाएगी। पकड़ के रखना।
तो ये है हिमालय व्यू पॉइंट, और अगर आप ध्यान से देखें तो वहाँ पे आपको टॉप दिखाई देगी, वो हिमालयन रेंज है, प्रोबेबली इट्स नंदा देवी। क्या जगह ये सुकाताली है? अच्छा, सुकाताली ड्राई लेक। जुलाई अगस्त तो बरसात होती है ना, हाँ? सारा पहाड़ का पानी इधर में आता है, जितने मकान मिलेंगे यहाँ पर बीच में गाड़ी खड़ी है, ओके, यहाँ तक पानी भरता है। जब बरसात का पानी भरता है ना, ओके, तो गवर्नमेंट ये जगह खाली करा देती है। गवर्नमेंट ही जगह देती है रहने के लिए। बरसात ज्यादा होती है ऊपर तक रहता है पानी, हाँ? बरसात कम होती है तो नीचे तक। ओके, दो तीन महीने पानी के अंदर रहता है? तीन चार महीने। अच्छा ठीक है, दिनों सूखी देती है, सारा पहाड़ का पानी आता है इससे। ओके ओके, चलिए थैंक यू। तो ये भैया क्या है? ये बारह पत्थर रॉक क्लाइंबिंग सेंटर है भैया, जो एनसीसी वालों का ग्रुप आता है ना, हाँ? इधर में ट्रैकिंग रॉक क्लाइंबिंग वगैरह सिखाया जाता है। सामने रॉक से देखने ना आर्टिफिशियल वाला, यस, इस पे ट्रैकिंग सिखाई जाती है। सामने पहाड़ी जहाँ पर रस्सी लगी है, हाँ? भी सिखाते हैं पूरा, जैसे बाइक बोट लगा ना, अच्छा, इस तरीके से सिखाई जाती है। टोटल 12 पहाड़ी है गिनती की, छोटी बड़ी लगा दी, इसलिए 12 पत्थर रॉक क्लाइंबिंग सेंटर बोलते हैं। एनसीसी की ट्रेनिंग यहाँ पे होती है। ओके, तो ये है खुमानी थाली। तो ये है, ये क्या है? ये बड़ी। फिर ये? ये भांग की चटनी। ये? ये खुमानी रायता। ओके, फिर ये? ये धुक्के। धुक्के, और ये? ये दाल मिठाई। फिर ये? ये दाल। दाल। ये जखिया आलू। जखिया आलू, और ये? ये मुड़वा रोटी। ठीक है, और ये तंदूरी रोटी? ये जोड़ी रोटी। ओके ठीक है, पहाड़ी मटन, पहाड़ी स्टाइल। कैसा रहा? मैं बहुत ग्रेवी वाली सब्जी यूजुअली खाता नहीं हूँ, बट दिस वन इज रियली रियली ऑसम। ये क्या है? ठंडी पानी। ये कैसा रहा? बहुत मस्त। Five on five. ये है बाल मिठाई, ट्राई करो। नैनीताल की स्पेशल है, अल्मोड़ा की स्पेशल। ऐसा है? यस, अल्मोड़ा की स्पेशल है, लेकिन यहाँ भी मिल जाती है, कैरेमल जैसी फीलिंग आ रही है। कार है, मस्त है। कैसा है? मस्त है, वो जो माउथ फ्रेशनर जैसा होता है ना, वैसा है, और अंदर क्या बताऊं, तो मस्त है, मस्त है, मस्त है, मजा आ गया, मजा आ गया। और ये मजा मैं आप सबको देना चाहता हूँ।
एक थोड़ा डिफिकल्ट काम है, चलो ट्राई करते हैं। हरमन ये लास्ट बचा है, ये मुझे दे दो। खत्म, टाटा बाय बाय। तो ये है अनुपम रेस्टोरेंट बड़ा बाजार के पास, कुमोनी थाली बेस्ट। कुमोनी थाली अगर ट्राई करनी है यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, और बाकी सारी सब्जियाँ भी बेस्ट थी। और ये जो भाई साहब खा रहे हैं बेस्ट। कितना? फोर नहीं फिफ्थ है। हाँ इसका 5/5 नहीं, ये फिफ्थ खा रहा हूँ। फिफ्थ का है? हाँ। और खाना है? जाओ 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 जाओ, अब मारेंगे। बाय बाय। खाते रहो। तो अगर आप नैनीताल एकदम आराम से घूमना चाहते हैं तो आपके लिए 2 दिन इनफ रहेंगे। हमारा सजेशन यही रहेगा कि अगर आप नैनीताल आते हैं तो आप नैनी पीक मिस मत कीजिएगा। उसके लिए आपको अर्ली मॉर्निंग निकलना पड़ेगा, अराउंड 6 से 7 बजे। तो जैसे ही आप टॉप पे पहुंचेंगे आपकी सारी थकान मिट जाएगी, क्योंकि वहां जाने के लिए 3 किलोमीटर का ट्रैक पड़ता है। लेकिन जैसे ही आप ऊपर पहुंचेंगे तो वहां से आपको लेक व्यू मिलेगा, और उसके बाद आप बोटिंग के लिए जा सकते हैं। बोटिंग करने के बाद जिस तरह से हमने किया था वैसे आप किसी लोकल गाइड को ले सकते हैं, या फिर दो छोटी गाड़ियाँ हायर करके उनके साथ जा सकते हैं, या फिर आप 2-व्हीलर रेंट पे ले सकते हैं। और वहीं से एक रास्ता ऊपर की ओर जाता है, जहाँ से आपको जू जाना है तो वहाँ जा सकते हैं, या फिर आप हिमालयन दर्शन पॉइंट जा सकते हैं। वहाँ से आपको लेक व्यू मिलेगा, उसके बाद बारह पत्थर आएगा, फिर सनसेट पॉइंट आएगा, और सनसेट पॉइंट के सामने से ही एक टिफिन टॉप का ट्रैक शुरू होता है, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। चल के जाना चाहते हैं तो चल के भी जा सकते हैं, नहीं तो वहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी है तो आप हॉर्स राइडिंग करके भी जा सकते हैं। और जिस तरह से नैनी पीक है उसी तरह से टिफिन टॉप भी है, तो जो आपको बहुत ही अच्छा सा व्यू देगा ऊपर से। और फिर रिटर्न में आप दूसरे दिन बड़ा बाजार घूम सकते हैं, मॉल रोड घूम सकते हैं, आप राजभवन जा सकते हैं, और इको के ऊपर भी जा सकते हैं। तो हमारा सजेशन यही रहेगा कि आप नैनीताल आते हैं तो 2 दिन आपके लिए इनफ है, और फिर बाकी के दिन आप कहीं और भी घूम सकते हैं, जैसे कि रानीखेत है, अल्मोड़ा है, या फिर मुक्तेश्वर जा सकते हैं। वी होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, आपके कोई सजेशंस हैं, तो वो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम में DM कर सकते हैं। थैंक यू।